22 जनवरी का कार्यक्रम केवल एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, प्रभु तो सर्वसर्वव्यापी है, लेकिन ये वास्तव में भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। भारत के हर नागरिक के चेहरे पर जो तेज है, जो उत्साह है, जो उमंग है, वह एक नए भारत की तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो 2047 तक भारत को दुनिया के एक विकसित देश के रूप में स्थापित करने के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करेगा। और मेरे लिए आस्था के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसे उत्तर प्रदेश को देश की आबादी के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर पाए, उस देश से अयोध्या का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने देखा है पिछले 10 दिन के अंदर अयोध्या में 25 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने अब तक प्रभु रामलला के दर्शन किए हैं। एक अद्भुत स्थिति है, अलौकिक है, लोगों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय बना हुआ है। और यह तब है जब अभी तक सरकार ने बहुत सारी चीजों को रोक करके वहां पर हम लोग श्रद्धालुओं को आने दे रहे हैं, जिससे कहीं भी कोई दिक्कत न हो। तो प्रधानमंत्री जी का विजन था कि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर आज इस लायक है कि हम एक साथ अयोध्या धाम में 50 से लेकर के 1,00,000 करोड़ तक पर्यटक और श्रद्धालुओं को समाहित करने की सामर्थ्य वहां पे आज अयोध्या रखती है। और हम लोग रामनवमी को इसी प्लान को बनाकर के चल भी रहे हैं। लेकिन एयर कनेक्टिविटी में जो बेहतर कदम उठाया गया है, सचमुच यह प्रधानमंत्री जी के विजन को माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, जनरल वीके सिंह जी ने जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य किया है। आज उसकी परिणति है कि अयोध्या में तेजी के साथ वायु सेवा का विकास हुआ है, और 5 जगहों पर पहले से ही जुड़ी हुई थी, लेकिन आज 8 नई वायु सेवा को प्रारंभ करके करने का जो कार्य प्रारंभ हो रहा है, जिसमें 7 आज सेवाएं आज होंगी, 1 कल से शुरू होंगी। मैं इसके लिए स्पाइस जेट के चेयरमैन एंड CMD श्री अजय सिंह जी को विशेष रूप से हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अयोध्या को इतनी प्राथमिकता दी है। अयोध्या देश की आस्था का प्रतीक है, जन भावनाएं अयोध्या के साथ जुड़ी हुई हैं, प्रभु श्री रामलला के साथ जुड़ी हुई हैं। और अयोध्या की इस उपलब्धि के लिए मैं वहां के माननीय सांसद श्री लल्लू सिंह जी को, अयोध्या वासियों को, वहां के सभी माननीय जनप्रतिनिधियों को हृदय से मैं बधाई देता हूं कि उनकी जो एक अभिलाषा थी कि अयोध्या का भी विकास होना चाहिए, आज जो सपना उनका साकार हो रहा है तो उनको स्वयं भी अंतःकरण से प्रसन्नता की अनुभूति हो रही होगी। वास्तव में अयोध्या इसका हकदार था, लेकिन किन्हीं कारणों से अयोध्या की उपेक्षा हुई। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या में भी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, कोई सोचता भी नहीं था कि अयोध्या की बेहतर एयर कनेक्टिविटी होगी। ये तो बहुत सपना था, और लोग अपनी कथा और वार्ता से ही संतुष्ट हो जाते थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पुष्पक विमान से श्रीलंका से अयोध्या धाम आए थे, उसी को सुनकर के संतुष्ट होते थे। लेकिन यह एक कल्पना थी कि अयोध्या में भी अपना एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, लेकिन आज वह सपना साकार हुआ है। और सचमुच यह किसी सपने को साकार होने, स्वर्णिम रूप से साकार होने का अपने आप में एक उदाहरण है, क्योंकि अयोध्या के बारे में लोगों को कभी सपना ही नहीं था कि भाई वहां अयोध्या में इतना बेहतर 4 लेन की सड़कें होंगी, रेलवे की दोहरीकरण के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त रेलवे स्टेशन होगा, और 5 सदी पूर्व जो एक कलंक अयोध्या पे लगाने का प्रयास हुआ था, उससे मुक्त होकर के प्रभु राम के भव्य मंदिर में रामलला फिर से विराजमान होंगे। इस सपने को साकार होते हुए देख करके आज पूरी दुनिया प्रफुल्लित है।